नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। बीते दिन देर रात रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत छोई गांव में अज्ञात चोरों ने तीन स्थानों पर अलग अलग चोरी करते हुए जहां एक ओर पुलिस की सुरक्षा दावों की पूरी तरह पोल खोल दी, तो वहीं ग्रामीणों में भी अब पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति रोष बढ़ने लगा है। बता दें, ग्राम छोई स्थित राजकीय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक त्रिभुवन सिंह हालसी ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों की ओर से स्कूल के नौ ताले तोड़कर स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए रखा गया एक गैस सिलेंडर चोरी करने के साथ ही अज्ञात चोर स्कूल के कुछ आवश्यक दस्तावेज भी चोरी करके ले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 5 जनवरी को स्कूल में चोरों की ओर से चोरी की घटना अंजाम दी गई और लगातार स्कूल में हो रही चोरी को लेकर बच्चे भी अब डर रहे हैं। साथ ही अध्यापकों में भी असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया है। बता दें, इसके साथ ही अज्ञात चोरों ने इसी स्कूल प्रांगण में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी ताला तोड़कर चोरी करने का असफल प्रयास किया। तो दूसरी ओर चोरों ने छोई पड़ाव में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान से कुछ नकदी और सामान भी चोरी कर लिया, जिससे गांव में एक साथ तीन चोरी की घटनाएं घटने के बाद ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं ग्रामीण और स्कूल के अध्यापकों ने चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने की पुलिस से मांग की है, जिसके संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि तहरीर मिलने के बाद इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इस संबंध में सूचना मिली है और तहरीर मिलने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। पड़ाव है हेडपम्प के, वहाँ पे हमारे नीचे छोटी सी एक दुकान है, उसमें कुछ कैश, थोड़ा चॉकलेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चोरी हो रखा है कल रात। कितना कैश होगा? लगभग होगा अनुमान 500-600 रुपये था, ज़्यादा था, बाकी कैश तो हम ले ही जाते हैं। छोटी सी दुकान है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चोरी की शिकायत कर दी पुलिस को? ना, वो तो नहीं करी अभी। क्या प्रॉब्लम सर? 5 जनवरी को पहले चोरी हुई है, ये FIR की कॉपी है उसकी। और उसके बाद जो है आज हुई, बड़ा दुख इस बात का है कि जिस समाज में हम समाज बनाने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। और इस बात को मैं दावे से कहता हूँ कि हम पब्लिक स्कूल से अव्वल ही निकलेंगे, नीचे नहीं निकलेंगे, ये मेरा एक दावा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, स्कूल कई सारे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में कई कमियाँ भी होती हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन जो हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड है, मैं अभी आपको कॉपियाँ भी दिखाऊंगा हम किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ताले टूटे हैं, क्या हुआ? 9 ताले टूटे हैं, एक नहीं, एक दो नहीं, 9 ताले टूटे हैं। और जो चोर है वो ये दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज। एक अभी तक तो अभी सिलेंडर हमारे एक चोरी हुआ है, कुछ हमारे रिकॉर्ड गायब हुए हैं अभी तक का। पुलिस को हमने FIR तैयार कर रखी है, अब अभी देने जा रहे हैं, प्रधान जी का वेट कर रहे हैं। ये हमने बना रखी है FIR कॉपी, ये तैयार है, अभी प्रधान जी का केवल वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़ा गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, सबसे पहले उसने वहीं का ताला मेरे हिसाब से तोड़ा, क्योंकि वहाँ फिर वो मूवमेंट होता है, उसको बताने लगा, फिर वो यहाँ आया, ये हुआ है। अब दुखद विषय है हमारे लिए, समाज के लिए भी एक चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि जहाँ शिक्षा होनी चाहिए वहाँ इस तरह की घटनाएँ होंगी, तो हम कैसे अपने आप को पढ़ा पाएंगे? जो व्यक्ति इतना 9 ताले तोड़ सकता है, उसके लिए हम क्या होते हैं? वो कभी हम पे भी अटैक कर सकता है। ये एक बड़ा दर्दनीय विषय है, जिससे मैं तो बहुत हट हुआ हूँ अपने आप में। रविवार की रात रामनगर विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम छोई में स्थित राजकीय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय के स्कूल के अज्ञात चोरों ने 9 ताले तोड़कर पुलिस के सुरक्षा दावों की जहाँ की ओर पोल खोल दिए, तो वहीं अज्ञात चोरों ने इसी विद्यालय परिसर में स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी ताला तोड़ दिया। यही नहीं कि एक चोरों द्वारा गाँव में स्थित एक परचून की दुकान में भी चोरी करते हुए पुलिस के सभी सुरक्षा दावों की पोल खोल दिया। विद्यालय के अध्यापक ने बताया कि 5 जनवरी को भी विद्यालय में चोरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट रामनगर कोतवाली पुलिस को दी गई थी, और उन्होंने बताया कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की चोरी होने से जहाँ एक और बच्चों में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया, तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि जिस प्रकार से रात उनके स्कूल में 9 ताले एक साथ तोड़े गए और एक आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़ा गया, उससे उन्होंने बताया कि भविष्य में उनको लिए भी एक खतरा उत्पन्न हो गया। तो वहीं एक दुकानदार ने भी बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान का भी ताला तोड़कर वहाँ से कैश और कुछ दुकान से सामान चोरी कर लिया। गाँव में इस प्रकार से
लगातार 3 चोरियों के बाद पूरे गांव के लोग दहशत में हैं, तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं विद्यालय के अध्यापकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार की जो चोरियाँ लगातार है भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, और उन्होंने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे.जे.एन. ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे.जे.एन. न्यूज़। धन्यवाद।